गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लाइव कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस में और मैं हूं आपका सांसद। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि आज जो क्लास होगी वो सेल्फ कंप्यूटर ऑपरेटिंग की क्लास होगी, जिसमें आप खुद से विदाउट एनी टीचर्स आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एट फर्स्ट जब भी आप क्लास में इन करते हैं तो क्या होता है, इसी तरह का यूनिट खुल रहा है, आप सभी से बात हो रही है हमारी, पढ़ने वाले अच्छे से मेरे काम हो गए, ठीक है। तो क्या होता है, इसी तरह का विंडो खुला होता था भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको ये जो नीचे में देख रहे ना एरिया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपका एक सॉफ्टवेयर होगी जिसका नाम है एमएस वर्ड। क्या है? एमएस वर्ड। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक किसको करना है? माउस बटन का। माउस बटन कौन सा? लेफ्ट वाले। कौन सी? लेफ्ट वाले। कौन से करेंगे आप लोग? लेफ्ट वाले को करना है। क्या करना है? लेफ्ट वाले माउस बटन को डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करते हो ना तो आपको ये वाली स्क्रीन खुलेगी जो दिख रहे ना इसकी। अगर मान लीजिए आपको किसी टाइप का टेक्स्ट जरूरी है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है जो आप इनपुट करेंगे जिसका नाम है इक्वल आर ए एन विदेन ब्रैकेट ऑफ एन क्लोज। आप जैसे ही ये फॉर्मूला लिखने के बाद प्रेस इंटर करेंगे ना तो आपकी क्या स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट लिखी हुई आ जाएगी, क्लियर एकदम। अब देखिए, मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखी हुई है, अब इस टेक्स्ट को क्या करना है, हम लोग को फॉर्मेटिंग करने सीखना है। क्या करना सीखना है? फॉर्मेटिंग। जब आप क्लास करते हैं तो आपको तो सबसे पहले हमने कहा था कुछ टाइप कीजिए, है ना। अरे बोलिए आप लोग, तो आवाज आना चाहिए, है ना। तो आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट बटन है ना, लेफ्ट बटन से क्या करना है, ड्रॉप कर ये जो कर्सर आ गया, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये वाली जो पॉइंटर है, ये कर्सर है जो ब्लिंकिंग कर रहा है, ये फॉन्ट किसी भी टेक्स्ट के सामने लाना है आपको और यहाँ पे ड्रॉप करते हुए सिलेक्ट करना है, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। दूसरा तरीका है क्या, कंट्रोल को प्रेस करते हुए ए अगर दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको करके कंट्रोल को प्रेस करते हुए ए बटन को अगर दबाते हैं तो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम चलते हैं सबसे पहला चीज फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। किस पे चलते हैं बाबू? फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। इस फॉर्मेटिंग ऑप्शन में सबसे पहला ए देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्क्रिप्ट, यानी कि फॉन्ट फेस। फेस का मतलब क्या, चेहरा। जो लिखने का जो तरीका दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये चेहरा है लिखने का तरीका, है ना। अब इसका हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बहुत सारा यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए चेंज हो रहा है, देखिए तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है चेंज या नहीं हो रहा है ना, लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। अब देखिए ये जो लिखने का तरीका हम चेंज करने सीख गए यहाँ से, क्लियर एकदम। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हम लोग तरीका तो चेक कर लिए, अब हम चलते हैं क्या साइज। सबसे पहला चीज क्या है, हमको साइज को भी समझना है कि साइज क्या क्या हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो मिनिमम साइज जो है आपका 8 है और मैक्सिमम साइज जो है कितनी है आपकी, मैक्सिमम साइज 72, मिनिमम कितनी है 8 और मैक्सिमम 72, उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, साइज को रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, उसके बीच में साइज को आप रख सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अब मान लीजिए सर हमको 72 के अलावा भी बहुत सारे फॉन्ट की जरूरत है, यानी कि साइज की जरूरत है, ठीक है, साइज की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करके साइज को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे क्या कि सर हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज और बड़ा लेना है ना। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं? ग्रो फॉन्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी फॉन्ट जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उतनी फॉन्ट बड़ी हो जाएगी, क्लियर है, देख रहे हैं ना ये। उसके बाद उसके बगल में जो है इसे बोलते हैं स्ट्रिंग फॉन्ट। स्ट्रिंग फॉन्ट का मतलब होता है कि अगर आप जितना बार यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपकी फॉन्ट क्या होगी,
छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो स्ट्रिक फोर्स से हम बड़े कर सकते हैं, लो फोर्स से बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रिक फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? अब देखिए ये जितनी भी चीजें मैंने किया, एक तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट और स्ट्रिक फॉन्ट, अगर हम चाहते हैं कि मेरी जो टेक्स्ट थी वो ओल्ड पहले जैसी जो पुराना थी है ना, वो करने के लिए तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो क्या होगा, वो पूरा फॉन्ट पहले जैसा होता है ना, रिमूव, जितनी भी आपने एडिटिंग किया वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये फॉन्ट, फॉन्ट को आप क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आई पे अगर क्लिक करते हैं तो इटैलिक हो जाएगा, और यू पे अगर क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगी, है ना। फिर से अगर हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो सारा चीज रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। अब देखिए मान लीजिए कोई टेक्स्ट हम लोग का क्या है, गलत हो गया, मान लीजिए ये गैलरीज गलत हो गया, गैलरीज की जगह गैलरी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, गैलरी होना चाहिए था, गलत हो गया, मगर हम काट नहीं सकते क्योंकि काटने के लिए हमको क्या, ये वाले ऑप्शन देना होगा, यानी कि वो अब नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, मतलब वो गलत है। क्या है वो? गलत है। अब देखिए स्ट्रिक फॉन्ट गैलरी हो गया, अब यहाँ से स्ट्रिक फॉन्ट इसको आप हटा सकते हैं, सेलेक्ट कीजिएगा वो टेक्स्ट को और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, दोबारा वो अनसेलेक्टेड हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे का कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हमने लिखा उसका फॉन्ट साइज को हाईलाइट करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, है ना। अब ये बैकग्राउंड कलर को हम चाहते हैं कि इसका हाईलाइट भी हो, तो हाईलाइट के लिए हम लोग को क्या करना है, फॉन्ट कलर देना है। यहाँ से क्या देना है? फॉन्ट कलर देना है। यहाँ से क्या देना है? फॉन्ट कलर देना है। तो आपका फॉन्ट कलर हो गया। आप देखिए फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉन्ट कलर तो हट जाएगा मगर बैकग्राउंड कलर नहीं हटेगा। बैकग्राउंड कलर को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड कलर को हटाना पड़ेगा। नो कलर हो गया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सूरज लिखे हैं, राइट। सूरज में क्या हुआ, सूरज आलम लिख रहे हैं, ठीक है। सूरज आलम में क्या, सूरज का पहला कैरेक्टर क्या है बाबू? एस, बड़ा है, बाकी बात छोटा है। अब हम क्या करेंगे, ये सूरज को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं हम चेंज केस। यहाँ से फर्स्ट को लेंगे तो सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा बाकी बात स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लोअर केस यानी कि सारा चीज छोटा, यहाँ से अपर केस यानी कि जितनी भी टेक्स्ट सब क्या होगी, कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर एक टेक्स्ट का सेंटेंस का पहला कैरेक्टर इज कैपिटल देन स्मॉल। उसके बाद आप आ जाइए कैपिटल कैपिटलाइज वर्ड या टुगल केस। टुगल केस में क्या होगा, जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका उल्टा हो जाएगा, जो जो बड़ा था छोटा हो जाएगा, जो जो छोटा है बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हम और एक चीज लिखते हैं, जैसे आपको लिखना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो टू बड़ा नहीं हुआ ना, एक्स स्क्वायर तो हुआ नहीं, थोड़ा सा देखिए स्क्वायर हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, टू को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए हो गया ना, अगर हमको सी को टू करना था, अब टू को हम क्या करेंगे, नीचे करना है, तो क्या करना होगा, टू को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में कीजिए तो टू नीचे आ गया, ठीक है, हो गया ना। ये सारी क्लासेस को करना है विदाउट एनी टीचर्स। अगर आपका कोई टीचर्स नहीं है, सिस्टम खाली है, तो आप एट फर्स्ट कहाँ कीजिए, एमएस वर्ड को खोलिए, और एमएस वर्ड खोलने के बाद ये सारी ऑप्शंस को आपको करना है। आप बोलेंगे सर कि हमको समझ में नहीं आएगा बिना टीचर का, तो राइट, बिना टीचर का समझ में नहीं आएगा, मगर कंप्यूटर एक ऐसा चीज है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, आप गलत करोगे तो भी बताएगा, आप सही करोगे तो भी बताएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, ये नॉलेज रख लीजिए। क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना, ये नॉलेज रखिएगा। कुछ भी करने के लिए हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस को करना है उस ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, वो लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब बोला नहीं, चेंज द फॉन्ट साइज, चेंज द फॉन्ट फेस, यानी कि इससे क्या होगा, चेंज कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा चेंज द फॉन्ट साइज कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, देखो इंक्रीज द फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिक्रीज द फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, जितनी भी चीज की है उसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, जो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया वो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्या लगते हैं, क्या करेंगे, यूटिलाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट,
जो टेक्स्ट फॉर्म को यूटिलाइज करना है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट यूटिलाइज हो जाएगा, व्यू में अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ द लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ टेक्स्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्ट किया टेक्स्ट उसका मिडिल में, यानी कि बीच में लाइन आ जाता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बोला है क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। अगर हमको अगर नीचे करना है तो क्या करना है, सब स्क्रिप्ट में करना है। अगर हमको क्या करना है, स्मॉल लेटर को क्या करना है, ऊपर करना है, रेफरेंस टेप यानी कि ऊपर का फुटर एरिया में करना है तो सुपर स्क्रिप्ट करना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। चेंज केस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। देखिए यहाँ क्लिक किया टोटल अपर हो गया है ना, ये कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट करा, यानी कि मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क विद हाईलाइट पेन, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसका पीछे कलर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चेंज द टेक्स्ट कलर फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज यानी कलर हो जाएगा फॉन्ट कलर। देखिए ना तरीका, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी अगर क्लास ले सिस्टम ले आप लोग को खाली, तो आप लोग इतना सारा चीज करना है। इफ यू एनी क्वेश्चंस टेल मी। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, खुश रहे आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा आपका सांसद।